हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कोरियन ड्रामा स्वीट रिवेंज के एपिसोड 9 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। गुही के फादर गुही को बताते हैं कि उन्होंने मीना को म्यूजिक टीचर के साथ देखा था जब वो डिलीवरी देने गए थे। गुही ये सुनकर सोच में पड़ जाती है। अगले दिन क्लास में लड़कियां बात करने लगती हैं कि मीना ने स्कूल के फोरम पर अपनी और म्यूजिक टीचर के रिलेशनशिप की डिटेल्स डाल दी है। मीना म्यूजिक रूम में बैठ के रोने लग जाती है। गुही दुखी को फोरम पढ़कर एक्साइटेड होता देख कहती है कि ये कोई छोटी बात नहीं है, और बताती है कि उसके फादर ने मीना को म्यूजिक टीचर के घर जाते हुए भी देखा है। म्यूजिक टीचर जब क्लास में जाते हैं तो कुछ स्टूडेंट उस पर कागज फेंकने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वो लोग उसके जैसे टीचर से नहीं पढ़ेंगे। गुही सोचने लगती है कि क्या उसे रिवेंज नोट में टीचर का नाम डाल देना चाहिए या नहीं। तभी बेल बज जाती है तो नाम नहीं डालती है। गुही और दुखी को गाय और उसकी एक फ्रेंड के साथ ग्रुप असाइनमेंट दे दिया जाता है, तो वो लोग कहने लगते हैं कि वो लोग साथ में काम कैसे कर सकते हैं। पर फिर थोड़ी देर बाद वो लोग सोचते हैं कि उन्हें मार्क्स के लिए तो ये करना ही होगा। दुखी की माँ सबको स्नैक्स देने आती है और उन्हें नॉवेल बुक से असाइनमेंट करता देख कहती है कि आजकल तो इंटरनेट से लोग असाइनमेंट करते हैं, वो ये क्या कर रहे हैं। तो सब सर्च करने लगते हैं ये सोच के कि शायद कोई इंटरनेट पे कम बोरिंग नॉवेल मिल जाए। तो वो लोग एक नॉवेल चूज करते हैं जो कि 2002 में लिखा गया था। उस नॉवेल को पढ़ने के बाद गायन कहती है कि ये तो वही सब लिखा है जो कि मीना ने स्कूल फोरम पर डाला था। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। गुही और दुखी मीना के पास पूछने जाने लगते हैं कि क्या वो झूठ बोल रही थी उसके फोरम पोस्ट के बारे में। दुखी मीना से पूछती है कि फोरम में जो उसने लिखा था क्या वो पूरी तरह से उसी की स्टोरी है। तो मीना पूछती है कि क्या उसे अब भी उस पर शक हो रहा है। तो दुखी कहती है कि ये सीरियस प्रॉब्लम है, इसीलिए वो उससे दोबारा रीचेक कर रही है। मीना कहती है कि अब वो फोरम पोस्ट करके पछता रही है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि म्यूजिक टीचर के शादी के पीछे जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी क्योंकि वो दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते थे। गुही दुखी को कहती है कि हो सकता है कि मीना सच बोल रही हो। तो दुखी कहती है कि उसे तो लग रहा है कि मीना को कोई मानसिक बीमारी है जिससे उसे वो भी सच लग रहा है जो सच है ही नहीं। प्रिंसिपल मैटर को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। तो मीना कहती है कि वो और म्यूजिक टीचर सच में डेट कर रहे थे और उन्हें सामान दिखाती है ये कह के कि ये सब उसे म्यूजिक टीचर ने दिया है, और ये भी कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। म्यूजिक टीचर कहते हैं कि मीना को वो सिर्फ इसलिए लिफ्ट देते थे क्योंकि वो लिफ्ट मांगती थी, और कहते हैं कि इस मैटर के कारण उसकी एंगेजमेंट तक टूटने वाली है। म्यूजिक टीचर कहते हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। एक लड़की टीचर की बात सुन लेती है और क्लास में आकर सबको बता देती है कि मीना प्रेग्नेंट है। सभी लोग इस बारे में बात करने लगते हैं और मीना को आता देख चुप हो जाते हैं। दुखी कहती है कि उसे लग रहा है कि मीना झूठ बोल रही है और उन्हें ये सबको बता देना चाहिए। तो गुही रिवेंज नोट में मीना का नाम डाल देती है और कहती है कि ये मीना की भलाई के लिए ही है क्योंकि जब तक वो सच को एक्सेप्ट नहीं करेगी वो ठीक नहीं हो पाएगी। गायन क्लास में उसी नॉवेल की प्रेजेंटेशन देने लगती है उस नॉवेल की लाइंस यूज करके। तो उस नॉवेल्स और मीना के फोरम पोस्ट को एक जैसा देखकर सभी चौंक जाते हैं। तो टीचर के जाने के बाद सभी मीना से पूछने लगते हैं कि क्या वो झूठ बोल रही थी। तो मीना कहती है कि उसने वो नॉवेल कभी पढ़ा ही नहीं है, और ये कह के वो बेहोश हो जाती है। टीचर जब मीना को डॉक्टर के पास लेकर जाती है तो डॉक्टर बताती है कि मीना प्रेग्नेंट नहीं है बल्कि वो मानसिक तौर पे बीमार है, इसीलिए वो उन सब चीजों को भी सच समझ रही है जो कि सच नहीं है। तभी क्लास में पता चलता है कि मीना ने अपनी बीमारी में म्यूजिक टीचर के गर्लफ्रेंड के इंस्टाग्राम अकाउंट से सारी पिक्चर चुरा के पोस्ट की थी। मीना को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। म्यूजिक टीचर वापस पढ़ाने लगते हैं पर अब वो पहले की तरह किसी को भी देखकर मुस्कुराते नहीं है। गुही को रिवेंज कंप्लीट होने का मैसेज आ जाता है। गुही जीहुन के साथ अपनी पहली डेट पर जाती है तो जीहुन उसे लंच के लिए चलने को कहता है। जीहुन गुही से पूछता है कि वो कल क्या करने वाली है। तो गुही कहती है कि वो दुखी के साथ यूनो के सेट पे उससे मिलने जा रही है। तो जीहुन कहता है कि फिर तो वो उससे मिल ही नहीं पाएगा। तो गुही कहती है कि वो भी उसके साथ चल सकता है। गुही और जीहुन साथ में घूम घूम कर पिक्चर्स क्लिक करने लगते हैं।
रास्ते में एक पेंडेंट को देखकर गुही रुक जाती है। तो जीहून पूछता है कि क्या वो उससे पसंद है, तो गुही दाम देखकर कहती है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये कह के वो उसे चलने को कहने लगती है। जीहून जब गुही को घर छोड़ने जाता है तो गुही की माँ देख लेती है और दोनों को अंदर बुलाती है। गुही की माँ जीहून से उसके बारे में पूछने लग जाती है, तो गुही जीहून को वहां से बाहर लेके आ जाती है और कहती है कि उसकी माँ कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई है। तो जीहून कहता है कि उसकी माँ भी उसकी तरह अच्छी है। गुही आकर अपनी माँ पर गुस्सा होने लग जाती है सवाल जवाब करने के लिए। तो उसकी माँ पूछती है कि क्या जीहून सच में उसे लाइक करता है, क्योंकि वो उसके लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा है। अगले दिन गुही जीहून को साथ लेके यूनो से मिलने जाती है, तो यूनो हाथ मिलाने समय जीहून का हाथ कस के दबाने लग जाता है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।